मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर एट जिसका नेम है अविकारी शब्द। जिसका क्या नेम है? अविकारी शब्द। कल हम क्या पढ़ रहे थे? अविकारी शब्द के बारे में हमने पढ़ा था। शब्द के दो प्रकार होते हैं परिवर्तन की दृष्टि से, विकारी और अविकारी। तो इस चैप्टर का क्या नेम है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिय बोधक। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे कल? हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण के बारे में। अविकारी शब्द का पहला प्रकार क्रिया विशेषण। किसके बारे में पढ़ रहे थे हमें? क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम धीरे चलता है, यहाँ चलता है क्रिया की विशेषण धीरा सबसे बताई गई है, अतः धीरे शब्द क्रिया का विशेषण अर्थात क्या है? क्रिया विशेषण है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया प्रविशेषण। कल भी हमने पढ़ा था क्रिया प्रविशेषण। क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत धीरे चलता है, यहाँ धीरे क्रिया विशेषण शब्द की विशेषता बहुत शब्द से बताई जा रही है, अतः बहुत शब्द क्रिया प्रविशेषण है। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के चार भेद है। कितने भेद है? चार भेद है। कौन कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अगला प्रकार कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रकार कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद है? चार भेद है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की समय काल संबंधी विशेषता बताते हैं। अर्थात क्रिया होने का समय बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम
पहले आएगा, राम कल आएगा। वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण, कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण, आज कल, परसों, कब, अब, जब, तब, अब तक, जब तक, कब तक, सदा, अभी, कभी, जब भी, तभी, पहले, पीछे, बाद में, पूर्व, सदैव, हमेशा, सर्वदा, नित्य, प्राप्त, सुबह, मध्याह्न, शाम, रात, दिन भर, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास, दोपहर है, घड़ी, घड़ी, हर घड़ी, तुरंत, निरंतर, आजीवन, आजकल, आदि। ये क्या है? काल कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। किसके बारे में? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम ऊपर गया है, राम ऊपर गया है, जैसे राम ऊपर गया है, मोहन उधर बैठा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद अब हम क्या पढ़ेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद, के भेद। ये दो प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थिति सूचक और दिशा सूचक। पहला कौन सा है? पहला प्रकार कौन सा है इसका? स्थिति सूचक। स्थिति सूचक। दूसरा प्रकार कौन सा है? दिशा सूचक। स्थिति सूचक और दिशा सूचक। स्थिति सूचक किसको कहते हैं? यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, पास, दूर, आस पास, आदि। ये क्या है? स्थिति सूचक। दिशा सूचक, दिशा सूचक। उधर, किधर, इधर, दाएं, बाएं, जिधर, आदि। ये क्या है? दिशा सूचक। स्थिति सूचक में क्या क्या आते हैं? यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आगे, पीछे। ये किस में आते हैं? स्थिति सूचक में। दिशा सूचक में क्या आते हैं? उधर, किधर, इधर, दाएं, बाएं, आदि। अब हम पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में अगला प्रकार कौन सा है? रीतिवाचक।
कौन सा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के ढंग को बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के ढंग को बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे चलता है, राम तेज चलता है, यहाँ धीरे धीरे तथा तेज शब्द चलता है। क्रिया के ढंग रीति को बता रहे हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के निम्नलिखित उपभेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रकार होते हैं, निश्चय होते हैं, अनिश्चय होते हैं, अनिश्चय होते हैं, स्वीकृति होते हैं, कारण होते हैं, निषेध होते हैं, अवधारण होते हैं। ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उपभेद हैं। इनके बारे में हम कल अच्छे से पढ़ेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। आज आपको क्या पढ़ना है? क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं ये आपको अच्छे से जानना है और कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में अच्छे से पढ़ना है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से जानना है। ओके, और रीतिवाचक विशेषण क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से जानना है। कल हम पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उपभेद के बारे में। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।